हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैनन 80D। जैसा कि आप बॉक्स देख सकते हैं, कैनन 80D EOS 80D वेस्ट E5 EFS 80 135 ISUSM किट है, जो अभी देख लेते हैं इसको ओपन करके। इसमें जो ये है जो मेन है, अभी इसको रख देते साइड में। लेंस जो रहेगा वो पूरा पैक है, अभी इसको भी फिलहाल रख देते साइड में। इसके साथ क्या क्या है, ओके है जो भी, इसे रख दे साइड में। और भी ये है चार्जिंग के लिए, जो भी इसके साथ बैटरी आई है, ओके अभी फिलहाल अभी इसको रख देते हैं साइड में। और बॉक्स को कर दे अभी क्लोज। इसको देखते हैं ओपन करके। तो काफी मस्त, एकदम जबरदस्त ब्लैक शेडिंग आप देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। आप भी फंक्शन में आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ, जैसा कि मुझे पता है लेंस जो भी। दोस्तों अभी लेंस जो मैंने अभी निकाल दिया है, अभी देखते हैं इसे। लेंस पहले मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। ये रख दिया साइड में। अभी मैं इसको, हो गए अभी ओके। अभी दोस्तों इसको निकाल देता हूँ। अभी जैसे कि बैटरी अभी पॉज कर दो, बैटरी जो है अभी ओके पॉज कर दिया, बैटरी हो गई ओके। अभी इसको जैसा कि मैंने बताया, ऑन ऑफ का इस टाइप स्विच आएगा, और रोटेट स्क्रीन है जो पूरी रोटेट होगी ओके। और स्क्रीन में रोटेट के लिए, और लेंस की जो लेंथ रहेगी वो 80 to 135 की है। और मैनुअल जो आप देख सकते हैं, मैनुअल पूरा फंक्शन इसमें आपको सेट कर सकते हैं। और जो सेटिंग्स जो रहेगी उसमें आप पूरा टोटल यहाँ से ही सेटिंग होगा, जैसे कि किसी को भेजना करना या कट कुट काट करने के लिए, डिलीट करने के लिए नीचे की साइड है। और जैसे कि फोटो क्लिक करने के लिए ये स्विच रहेगा। और जैसे कि बाकी में फंक्शन में बताऊँ, तो इसमें जो स्क्रीन पे रहेगा वो स्टेप, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं स्क्रीन के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। वो मैं आपको ऑन करके बता दूंगा अभी। जैसे कि अभी मैं इसको ऑन कर दिया है ओके। यहाँ पे डिस्प्ले भी है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि मैंने तरत ऑन, तुरंत ही ऑन किया है। और यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ आपको दिखाई दिए होंगे। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे इस टाइप के यूज़ होता है, और वो भी आ गए। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, और स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप का यूज़ हो जाएगा। और इसके साथ जो आया है बेल्ट, जो बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। ब्लॉगिंग के लिए अगर दोस्तों यूज़ करना चाहे, तो ब्लॉगिंग के लिए नीचे के साइड जो आया हुआ है वो ब्लॉगिंग के लिए, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने इसको ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा आप रहे फोटोशूट के लिए भी अभी काफ़ी काम लगेगा ये, अभी मस्त लग सकता है एकदम। आप अगर अकेले हैं और फोटोशूट करना चाहते हैं, तो इसको रख के मस्त फोटोशूट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में फोटोशूट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।